नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। पुलिस के जाल में फंसा केजीएफ गैंग, फिल्मी नाम और आपराधिक काम करने वाले केजीएफ गैंग को सिलीगुड़ी पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोरखा जाति का विकल्प ढूंढने के लिए कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है, अजय एडवर्ड ने कहा। राजगंज के वीडियो और भू स्वराज अधिकारियों ने अवैध रूप से बालू लदे 3 डंपरों को किया जब्त। This program is brought to you by Dear Saptahik Lottery, केवल 6 रुपए मा अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। Dear Saptahik Lottery, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। फिल्मी अंदाज में आतंक फैलाने वाले केजीएफ गैंग के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी के एक आपराधिक गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कल दोपहर एसओजी ने शहर के ईस्टर्न बाईपास से सटे इलाके में छापा मारकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में विद्युत दास, राजीव बसाक, हरमित सिंह, अरमान मोदक, अनुपुष्टप मजुमदार, शंभू दास, मानिक हल्दर, अजित अधिकारी और राज सिंह शामिल है। इस गैंग ने बैकुंठपुर जंगल के अंदर जुए की महफिल सजाई थी। जमीन पर कब्जे से लेकर नशीले दवाओं के व्यापार, अपहरण, आग्नेयास्त्रों के व्यापार तक सब कुछ यह गिरोह द्वारा किया जा रहा था। बगड़ाकोट से लेकर शिव मंदिर माटीगढ़ा डांगीपारा तक के युवक इस गिरोह में सदस्य थे। गिरफ्तार लोगों के खिलाफ आसीगढ़ चौकी में मामला दर्ज कराया गया और आज पुलिस ने आरोपियों को जलपाईगुड़ी जिला अदालत में पेश किया। गोरखा जाति का विकल्प ढूंढने के लिए कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है, अजय एडवर्स ने कहा। आज हामरो पार्टी कालिंगबुंग जिला कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी का गठन पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अजय एडवर्स की मौजूदगी में किया गया, जिससे अजय एडवर्स अध्यक्ष नाइल कृष्णा रॉय, उपाध्यक्ष जॉन बिट्टो, पीमा मुक्तान, असीम दीवान, सचिव पीटर लेपचा, संयुक्त सचिव चंदन पेरियाल, कृष्णा शर्मा, नीमा भोटिया, कोषाध्यक्ष फुचुंग भोटिया को चुना गया है। उस बैठक में हामरो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्स ने नए पदाधिकारियों का स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोरखा जाति का विकल्प खोजने के लिए भाजपा की ओर देखने के बजाय कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। जुन चाहिँ परिवार सिंह गोरखा जाति को एउटा घनिष्ठ संबंध थियो सुभाष घिसिंग को टाइम में, अनि त्यहाँ जान्दाखेरि राहुल गांधीलाई उसले ज्यादा भनेन, मैले एउटै भने, तपाईको परिवार र गोरखा जाति को एउटा संबंध थियो। पूर्व हाम्रो सुभाष घिसिंग ज्यू र तपाईको बाबा यसरी भेट भएको दिल्लीमा, दार्जिलिङमा नक्साहरू देखाए। अनि मेरो तपाईँलाई के मात्रै भन्नु छ भन्दाखेरि, हाम्रो जाति लछार भएको छ। भारत जस्तो देशमा हाम्रो जातिको सङ्ख्या पनि यति कम्ती, हामीलाई एउटा नेतृत्व, हामीलाई एउटा गार्जियन। तपाईँलाई देख्छु मणिपुरमा आगो लाग्दा तपाईँ फुकिरहेको, जम्मू काश्मीरमा के भयो तपाईँ उभिरहेको। हाम्रो पनि दुःखमा अरू के पनि चाहेन, तर तपाईँ साइडमा उभिदिएको छ भने हाम्रो जातिको सम्मान यो बङ्गालमा बढ्छ, हाम्रो जातिको सम्मान यो भारतमा बढ्छ। किनभने हामीलाई धेरै हेलचेक्रा भएको छ। राजगंज के वीडियो और भू स्वराज विभाग के अधिकारियों ने अवैध रूप से बालू लदे 3 डंपरों को जब्त कर लिया। गाड़ी मालिक स्वीकार करते हैं कि उनके पास बालू का उचित दस्तावेज या चालान नहीं है। राजगंज वीडियो प्रशांत बर्मन ने कहा, सरकारी कानूनों को नजरअंदाज करना कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज 3 डंपर जब्त किए गए हैं, यह छापेमारी आगे भी जारी रहेगा। ऑनलाइन प्राप्त रॉयल्टी सिस्टम उपलब्ध है, अगर डंपर मालिकों के पास कोई शिकायतें हैं तो हमें बताएं, हम मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच करेंगे। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইনকে কেউ বুড়ো আঙুল দেখানোর চেষ্টা করলে সেটা কখনো আমরা বরদাস্ত করব না, সে যে কে হোক আমরা কখনো বরদাস্ত করব না। একদম আমাদের সরকারিভাবে নির্দেশ রয়েছে, কোনো রকম সরকারি আঙুলকে বুড়ো আঙুল দেখানোর চেষ্টা করলে হবে না। সে কত ডাম্পার বাজেয়াপ্ত করলেন? আজকে 3টা করেছি এবং এই অভিযান কন্টিনিউ চলবে, কোনো রকম ডাম্পার রোডে চলবে না। রাত্রিবেল তো অনেক ডাম্পার চলে, এখানে প্রজেক্ট চলছে সেটা আমরা দেখছি, পর্যাপ্ত কাগজ আছে কি না, এই কাগজপত্র আমার কাছে জমা আছে, আমি এলিগেট করবো সেই গাড়ি কিনে। এবং
কেউ যদি গভর্নমেন্টকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে কোনো রকম রোডে একটা ডাম্পার আমরা বেরোতে দেবো না, প্রশাসন চাইলে সলভ হবে। আর রাত্রিবেলা তো ফোন করছি, আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন, ঠিক আছে। এদের অনেকে বলছে যে পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে অনলাইনে, সেখান থেকে রয়্যালটি কাটতে হবে, ওদের কি অভিযোগ আছে আমাকে জানালে আমি অবশ্যই সরকারের সঙ্গে তাদের মতামতটা পাঠিয়ে দেবো। রয়্যালটি কাগজে কত করে সেফটি সব লেখা আছে, গভর্নমেন্টের নিয়ম আছে, এগুলো আপনাদের কাছে ভুল বার্তা যাচ্ছে, এগুলো কে কোথায় ভুল বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে গভর্নমেন্টের পর্যাপ্ত রয়্যালটি। सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से मनाए गए स्वामी विवेकानंद की जयंती, गरीबों के बीच बांटे गए कंबल। सिलीगुड़ी शहर के झंकार मोड़ के विवेकानंद चौक में नगर निगम की ओर से विवेकानंद की जयंती पालित की गई। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार और नगर निगम के चेयरमैन प्रतुल चक्रवर्ती, G20 के मुख्य समन्वयक और दार्जिलिंग वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंगला सहित अन्य लोगों ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही इलाके के गरीब लोगों के बीच कम्बल वितरण किया गया। आज के 162वां अभिभाव दिवस से दिन विभिन्न धर्म एवं शिक्षा সাথে যারা যুক্ত তাদের ডেকে নিয়ে এসেছি, আমরা আহ্বান করেছিলাম, তারা এসছেন এবং তারা স্বামীজির সাথে তাদের যে ধর্মীয় অনুভূতি, ভাবনা, বিশ্বাস, সেটাকে দেখা গেছে যে প্রত্যেকটা ধর্মই তার মূল বাণী হচ্ছে মানব কল্যাণ, মানবের উন্নয়ন, ভেদাভেদের বাইরে গিয়ে সর্বধর্ম সমন্বয়, সেই কথাটাই কিন্তু এই ওনারা বলার চেষ্টা করেছেন। আমরা পৌর নিগম থেকে আমরা সেভাবেই আমরা চলার চেষ্টা করব। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण द्वारा मैनागुड़ी बाजार की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। मैनागुड़ी पुलिस स्टेशन में सभी कैमरों की निगरानी की जाएगी। मालूम हो कि 21 कैमरे SJDA और 29 कैमरे पुलिस की ओर से लगाए जाएंगे। SJDA सूत्रों के मुताबिक मैनागुड़ी शहर में अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए यह CCTV कैमरा लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शहर में 50 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। पूरा शहर को सुरक्षा के घेरे में लपेटा जा रहा है, इससे प्रशासन और आम लोगों को काफी फायदा होगा। উন্নয়নের জন্য শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পরিষদ একগুচ্ছ প্রস্তাব নিয়েছে। ময়নাগুড়িকে নিরাপত্তার তে সম্পূর্ণভাবে সহায়তা করার জন্য নিরাপত্তার মানুষের নিরাপত্তার কথা ভেবে আমাদের সকলের প্রিয় নেত্রী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় আমরা ময়নাগুড়ি শহরে প্রায় বুলেট ক্যামেরা, নাইট ভিশন আউটডোর টাইপ বুলেট ক্যামেরা লাগাচ্ছি 21টি। পুরো ময়নাগুড়ি শহরকে ঢেকে ফেলা হচ্ছে নিরাপত্তায়, এবং একটি স্মার্ট টিভি আমরা ময়নাগুড়ি পুলিশ স্টেশনকে দিচ্ছি, এবং অপটিক্যাল ফাইবার 4,500 মিটার অপটিক্যাল ফাইবারে 32 চ্যানেলের NVR থাকছে, যাতে ময়নাগুড়িতে কোথাও কোনো ইনসিডেন্ট হলে সঙ্গে সঙ্গে CCTV ক্যামেরা, এটা নাইট ভিশন ক্যামেরা আছে, সবগুলি বুলেট ক্যামেরা, এবং কোথাও যদি এরকম কোনো ঘটনা হয় যাতে দ্রুত ব্যাপারটাকে চিহ্নিত করা যায় এবং ধরা যায়, সেই কারণে এই CCTV ক্যামেরা ময়নাগুড়িবাসীর স্বার্থে আমরা ইনস্টল করছি। ওয়াক্ত হো চুকা হ্যায় এক ছোটে সে ব্রেক কা, লেতে হ্যায় এক ছোটা সা ব্রেক। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर, डियर लॉटरी। Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities.
सोना मनपुरम लॉकरे राखुन सबा स्मार्ट हो जान। मिसेस के साथ वेकेशन लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन भरोसा इंडिया का मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। আপনার বাড়ি গ্রিলের জন্য কোন সিল নেব বলুন তো? উফ, এখানেও। আপনি বিয়েতে মন দিন, বাড়ির গ্রিলের জন্য সঠিক সিল বেছে দেব আমরা। এসে গেল এসআরএমবি রিয়েল বিল্ড। সঠিক দামে পাবেন খাঁটি বিল্ডিং মেটেরিয়াল থেকে সেরা পরামর্শ। ও ছাড়া বাড়ির সবকিছু বেছে দেবে রিয়েল বিল্ড। বাড়ি তৈরির রিয়েল গাইড। Damrose celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damrose showroom or damroindia.com. Damrose, internationally trusted furniture. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. SIDWAP Siliguri 9434023813 যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलघाट रोड सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। राजगंज के बेलाकोबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक एक बाइक बेलाकोबा से जलपाईगुड़ी और दूसरी बाइक जलपाईगुड़ी से बेलाकोबा जा रही थी, तभी अचानक दोनों बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। दोनों बाइक सवार सड़क किनारे स्थित गड्ढे में जा गिरे। स्थानीय निवासी मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को तुरंत जलपाईगुड़ी अस्पताल भेजा गया। हालत बिगड़ने पर उन्हें उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। बेलाकोबा चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। मुखोमुखी दुईटा एत स्पीडे छो बलार मतना से स्पीडे दुईटा बैक इसे दूजन के लागिए दियारे एबार दुटो मध्य एक तो अपना पशे एक दीघी छो से दीघी पड़े गे एबारेक्टा जो एक जो एक गाड़ी छो एक और एक गाड़ी छो दुजन तो दुजने অবস্থা খুব সিরিয়াসজনক, আরেকজনের অবস্থা সিরিয়াসজনক। এবার হচ্ছে আমরা সঙ্গে সঙ্গে পাশে এলাকাবাসী এসে জল টল ঢাললো, গাড়িতে আগুন লেগে গেছিলো, তো সাথে সাথে এসে জল টল ঢালার পরে তো হচ্ছে আমরা পাশাপাশি যারা গ্রামের লোকজন ছিল তো এরা এসে হচ্ছে ওনাদেরকে উদ্ধার করে, উদ্ধার করার পরে পুলিশ প্রশাসনকে ফোন করে, পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে ওনারা আবার অ্যাম্বুলেন্সকে ফোন করে, অ্যাম্বুলেন্স আসার পরে এদেরকে জলপাইগুড়ি সদরে মানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।
सिलीगुड़ी नक्सलबाड़ी के मंगलजोत इलाके में एक व्यक्ति का फंदे से लटकता हुआ शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने व्यक्ति को लटकते हुए देखा और इसकी सूचना नक्सलबाड़ी थाने की पुलिस को दी गई। मृतक की पहचान लौधा ओनराव उम्र 59 वर्ष के रूप में की गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त होने और काम के सिलसिले में उनके लड़के के घर से बाहर होने के कारण उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सब को आज पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया है। नक्सलबाड़ी थाने की पुलिस पूरे घटना की जांच में जुट गई है। 2017 में अपनी मां के साथ फूलबाड़ी से बिहार जाने के क्रम में लापता हो गया था एक छोटा सा बच्चा, जिसके बाद कई जगहों पर खोजने के बाद भी उसकी मां और परिवार के सदस्यों को बच्चे का कुछ पता नहीं चला। लेकिन करीब 6 साल बाद नए साल के 2024 में खोया हुआ बच्चा उसके परिवार को वापस मिल गया। फुलबाड़ी एक नंबर ग्राम पंचायत के पंचायत सदस्य सोमा रॉय ने बताया कि उन्हें पिछले 9 जनवरी की रात को एक फ़ोन आया और बताया गया कि फुलबाड़ी इलाके का एक बच्चा विशाल रॉय जलपाईगुड़ी में है। उनकी उम्र 13 वर्ष बताई गई। उनका घर फुलबाड़ी पंचकेलगुड़ी इलाके में है। इसके बाद आज परिवार के लोग वहां पहुंचे और बच्चे को वापस पा लिया। এখন আমাকে খবর দিছে দুইজন খবর দিয়ে কাল রাত্রে খবর দিয়ে আমাকে ফোন করছে নাম্বার দিছে ফোন করছে ফোন করে বলছে যে কালকে আসবেন রয়েছে আসে আমাকে ওইখানে ইসে হবে ইসে করার পরে তোর ভাগনাকে দেখবি দেখে তুই চিনবি আধার কার্ডটা নিয়ে আসবি চিনতে পারছো ভাগনাকে হ্যাঁ তোমাকে চিনতে পারছে আমাকে চিনবে আমি আধার কার্ড দেখালাম তো হ্যাঁ আমাকে বলবে যে আমার মামা চিনতে পারছে হ্যাঁ তো এতদিন পর ভাগনাকে খুঁজে পেয়ে কীরকম লাগছে ভালো লাগছে আমাদের ভাগনা জন্যই আমি টেনশন থাকি এখন ভাগিনাকে নিজের কাছে রাখবে আমার কাছে রাখবে বাড়িতে আর কে কে আছে বাড়িতে আমি 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 একাই থাকি ভাগিনার কেউ নেই ভাগিনা কেউ নেই আপনার নাম আমার নাম বিশিত রায় ভাগিনার নাম ভাগিনার নাম তো বিশাল রায় বিশাল রায় सिलीगुड़ी में स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती के अवसर पर श्री रामकृष्ण आश्रम नक्सलबाड़ी की ओर से मैराथन का आयोजन किया गया। एसएसबी सिलीगुड़ी के आईजी श्री सुधीर ने महिला एवं पुरुष वर्ग में आयोजित मैराथन प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। सिलीगुड़ी महकमा परिषद के सभाधिपति अरुण घोष भी उपस्थित रहे। मैराथन के विजेता को पुरस्कार दिया गया। मैराथन के अलावा रंगारंग शोभा यात्रा भी निकाली गई, साथ ही पेंटिंग प्रतियोगिता, आदिवासी नृत्य, संगीत और संस्कृति कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। এই অনুষ্ঠানটা করা এটা সত্যি আমাদের জন্য গর্বের ব্যাপার। সমস্ত বিশিষ্ট আমাদের রামকৃষ্ণ আশ্রমের সদস্য সদস্যদের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি সহ যারা আছে এবং যারা শুভাকাঙ্ক্ষী আছে আমাদের রামকৃষ্ণ আশ্রমে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা আপনাদের সাথে ছিলাম, আমরা আপনাদের সাথে থাকবো আগামী দিনে। আমরা যাতে এইভাবেই সমাজের বিভিন্ন কাজে, সমাজ উন্নয়নের বিভিন্ন কাজে আমরা যাতে আপনাদের সাথে থাকতে পারি, আমাদের সমস্তকে যারা আছে সবাই মিলে একত্রিত আমাদের সমাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আজকে যারা যারা পার্টিসিপেট করেছে অনেক বাচ্চারা হয়েছে অভুক যাতে সবাই ভালো করে আজকে ম্যারাথন শুরু করবেন। এবং আর কি ফ্যাক্টর নাই, আমরা যে পার্টিসিপেট করেছি এটি আমাদের কাছে এত বড় ব্যাপার, এত বৃহৎ আকারে এত সংখ্যক বাচ্চারা আজকে এখানে উপস্থিত রয়েছে। मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल मचाया। मालदा के इंग्लिश बाजार निवासी अनीमा ने देर रात बेटी को जन्म दिया। परिवार का आरोप है कि सोमवार को बिना किसी को बताए अनीमा को दोबारा ऑपरेशन कर दिया गया। आरोप है कि दोबारा ऑपरेशन के बाद मरीज को वेंटिलेशन पर रखा गया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने कहा कि खून की जरूरत है। महिला के परिजनों ने तत्काल खून मुहैया कराया। फिर अचानक अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि मरीज की मौत हो गई है। इसके बाद आज सुबह से ही परिजनों ने इलाज में लापरवाही की शिकायत करते हुए प्रसूति विभाग के सामने अपना गुस्सा जाहिर किया और विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। আমার অভিযোগ হচ্ছে মানে প্রথমে তো উনি ডেলিভারি ছিল, ভর্তি করা হলো, সব কিছু ট্রিটমেন্ট ইয়ে ছিল, নর্মাল ছিল,
ভর্তি করা হলো, সিজার হয়ে বাচ্চা খালাস হয়ে গেল, তার এই এক দেড় ঘন্টা কি দু ঘন্টা পরে আবার ডবল ওড়িতে ঢুকায়। কি কারণে ঢুকিয়েছে তা জানি না, এবং ডাক্তার মানে ওইখানে আমাদের কোনো লোক ছিল না এবং কোনো কিছু জানানো হয়নি। এই দিয়ে তারপরে যে ওনারা বলা হয়েছে তো ওনারা আবার স্বীকার করেছে যে আমাদের ভুল একটা ট্রিটমেন্ট হয়ে গেছে, কিছু করার নাই। হ্যাঁ, এইবার 60 প্যাকেট রক্ত লেগেছে। 60 প্যাকেট রক্ত কেন লাগলো এবং এই ডাক্তার যে ভুল করেছে, একটা মা গেল কিন্তু আর দ্বিতীয় মা যেন না যায়, এই ডাক্তারের আমরা ফাঁসি চাই। কোন হাসপাতালে এটা চাই? এটা হচ্ছে মালদা সদর হসপিটাল, ফাঁসি চাই আমরা। কি নাম ডাক্তারের? কি নাম? অপূর্ব মন্ডল। কোথাকার ডাক্তার? এই মালদার ডাক্তার, শনিবারকে বাড়ি। আপনার নাম? আপনার নাম? আমার নাম বিশ্রাত পাল। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया 1 करोड़ केवल 6 रुपया मा किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपया मा अनि जित्नु होस पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। 6 रुपया 1 करोड़ 6 रुपया डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो।